मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं मर भी गया तो इस क्षेत्र के हिंदुओं के अंदर इतनी गर्मी छोड़ के जाऊंगा कि खैराबाद को श्री राम नगर बना देंगे। अगर खुले आम तौर पर कहता हो तुम एक हिंदू मारोगे तो मैं 10 हिंदू मारूंगा, मुस्लिम मारूंगा। तुम किसी एक लड़के को लपचे हाथ में पका के उसके साथ अत्याचार करोगे तो मैं 10 मुस्लिम लड़कियों को लव सनातन में पका के अत्याचार करूंगा। तुम जान में पका के अत्याचार करोगे लेकिन मैं खुले आम कर देना चाहता हूं कि मैं उठा के ले आऊंगा इसी संगत में। और शासन प्रशासन के लोग भी यहां मौजूद हैं। मैं खुले आम फैसले कर देना चाहता हूं कि आप लोग कैसे लग रही है, अगर हमारे किसी हिंदू बहु बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो जैसे वो संविधान को नहीं मानते कुरान को मानते हैं, फिर हम भी संविधान को नहीं मानेंगे। अगर तुमने एक हिंदू का एक विश्वास तुमने कब्जा किया तो हम तुम्हारा 10 बीघे कब्जे कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज जो हम लोगों के लिए चुनौती है वो है खैराबाद नगर पालिका। और इस बार हर हिंदू को जागना है और खैराबाद नगर पालिका ने भगवान अगर किसी मुल्ले का और कोई हिंदू मांगने आए तो उसे जूतों से मारना। जयचंद हुए हैं लेकिन ये कली काल है और कालों में तो जयचंदों को अगले जन्म में उनका दंड मिला है लेकिन इस काल में आपने अभी जो ये आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया जा रहा है, ऐसा ट्वीट हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूं जो मोहम्मद जुबेर है जिसने मेरा वीडियो ट्वीट किया है उसकी पूरी आईडी को चेक किया जाए, जैसा कि लोगों ने चेक किया है, एक भी वीडियो या एक भी पोस्ट उसकी शुरू से अंत तक हिंदू विरोधी ऐसा नहीं हिंदू विरोधी ना हो, सारे पोस्टों को हिंदू विरोधी की पोस्ट डाले। अगर वो सेकुलर या मानवतावादी होता तो मुस्लिम विरोधी भी डाल सकता था जो मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं उल्टा सीधा उसके खिलाफ बोल सकता था ना, लेकिन वो सिर्फ वही पोस्ट डालना है जिसमें हिंदुओं को आक्रोशित दिखाया गया है। जैसे बाबा जी आपने उसमें वीडियो में 28 लाख रुपए की बात की, 28 लाख रुपए हमारे लिए जमा किए गए हैं हमारी हत्या कराने के लिए, वो क्या है? देखिए आपको अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ दो महंतों की पूर्व में हत्या हो चुकी है, तीसरा महंत मैं हूँ जिसके ऊपर 9 बार जानलेवा हमला हुआ है, मुझे चाकुओं से गोदा गया, आपके सामने वाकर रखा हुआ है, 1.5 साल हो गया मैं दोनों पैरों से चल नहीं पा रहा हूं। इस हमले के 10 दिन पहले ही आप अच्छी तरह जानते हो कि एक मुसलमान लड़का हिंदू बन करके मेरे आश्रम में घुस जाता है और मेरे ऊपर हमलावर होता है, और आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि वो तब घुसता है जब मेरी सुरक्षा में लगे 1.5 सेक्शन PSC, 1-4 की गार्ड, 1 सरकारी सुरक्षाकर्मी और 2 प्राइवेट सुरक्षाकर्मी थे तब, लेकिन मेरे सुरक्षाकर्मियों सरकारी सुरक्षाकर्मियों और प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों की बहादुरी से वो पकड़ा जाता है, मेरे ऊपर हमलावर नहीं हो पाता है। जब उसे कड़ाई से पूछा जाता है तब वो बताता है कि 28 लाख रुपए सीसा वाली मस्जिद में इकट्ठा हुआ है और वहीं से मुझे भेजा गया है, जाओ बाबा की हत्या कर दो, हम यहां से तुमको 28 लाख रुपए मिल जाएगा। जैसा कि बाबा जी